Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, so my name is Himadri and you're watching Grooming with Dimpy. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रिव्यू एक ऐसे आइटम का जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ करना चाहती थी. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस आउट माई एनी वीडियो. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज ग्रूमिंग विद डिम्पी एंड I'll link down below also in the description box. So चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Let's get started. मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ फिलिप्स का हेयर ब्रश का स्ट्रेटनर हेयर ब्रश का. और इसके लिए मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ बिकॉज माई हेयर्स आर रियली वेरी ड्राई. ऐसा नहीं है कि हो गए हैं केमिकल्स यूज़ करके, कुछ ऐसे बचपन से ही मेरे बाल ऐसे ही हैं. सो माई मॉम सेड कि तू कुछ भी लगा लेगी बालों में या कुछ भी कर लेगी, बाल वैसे ही रहेंगे. मतलब जो तेरे नेचुरल हेयर्स है वो ड्राई ही हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीजी टाइप के हैं. सो इस उससे मैं आई थिंक 2 या 3 बार स्मूदनिंग करा चुकी हूँ अपने हेयर्स पे. मैं फिर से स्मूदनिंग कराने की सोच रही थी, बट देन आई थॉट कि अभी थोड़े टाइम के लिए मैं रुक जाती हूँ. सो मैंने ये हेयर ब्रश लिया है, हेयर स्प्रे लिया है और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ. तो ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करूँगी आप लोगों के लिए. और इससे आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये आपके हेयर्स पे काम करेगा. स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करते हैं बालों की बिना किसी बिना बकबक किए, बिना बातें किए. तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये K18 का हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे और जो हीट से मेरे बालों को बचाएगा. इसमें आप लोगों को दे रखा है कि ये रीस्टोर कैराटिन, प्रोटीन बूस्टर है, फ्रीज रिडक्शन है, मॉइस्चराइजन, हेल्दी हेयर्स है. तो ये सारी चीज़ें मतलब हेयर्स के लिए काफ़ी सेफ है. और मैं अभी अपने बालों को आप लोगों को दिखाती हूँ. मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं. डैमेज नहीं है ऑफकोर्स. कभी कोई चीज़ अप्लाई करती हूँ मैं, जैसे मैंने अनियन का रिव्यू दिया था मामा अर्थ के, तो वो हेयर मास्क तो मेरे बाल स्मूथ हो गए थे. मैंने उस टाइम पे बोला था आप लोगों को मेरे बाल स्मूथ हो गए थे, बट वो ये है कि आपका 1 या 2 दिन के लिए वो स्मूथ रहेंगे क्योंकि आपने वो लगा रखा है. उसके बाद आपके बाल फिर वैसे ही हो जाते हैं. तो मेरे भी वैसे ही हो गए थे, हालांकि स्मूथ हो गए थे मेरे बाल, बट देन ऑल्सो. और आप लोग देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, वेवी हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है. तो इस टाइप से मैं यूज़ करने वाली हूँ इस चीज़ को. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हेयर स्प्रे का जो स्मेल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है काफी. मेरे हाथों में भी गिर गया है. इसका स्मेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सेंट वगैरह कुछ ऐसे लगा रहे होंगे. सो अभी मैं हेयर स्प्रे को अप्लाई कर चुकी हूँ और इसके बाद मैं अपना स्ट्रेटनिंग करती हूँ. सो यहाँ पे मैं ओपन करने वाली हूँ एंड दिस इज व्हाट द हेयर ब्रश इज. सो ये आपका हेयर ब्रश है. सो अच्छा खासा हेयर ब्रश है. बहुत ही ज्यादा फाइन, इसमें जो ब्रशेस दे रखे हैं वो बहुत ही ज्यादा फाइन है, एज यू कैन सी. और यहाँ पे आप लोगों को हीटिंग करने का दे रखा है. सो ये मीडियम हीट का है और अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो ये थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा हीट के लिए है, और बिल्कुल नीचे कर देंगे तो ये फिर जीरो दे रखा है, दैट मीन्स ये ऑफ हो जाएगा. सो अभी हम इसको मीडियम हीट पे रखते हैं यहाँ पे. सो मैं इसको एक्सटेंशन पे लगाती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या चीज़ काम करेगी कि नहीं. इसमें पेपर्स वगैरह भी दे रखे हैं ये चेक करने के लिए कि दिस इज ओरिजिनल और नॉट, एंड मैंने प्रॉपर पेपर वगैरह चेक करे हैं. सो ये ओरिजिनल फिलिप्स का दिया है अमेजोन से, तो मैंने इसको अमेजोन से मंगाया था. सो मैं अभी एक्सटेंशन पे अपना ये हेयर का लगाती हूँ. यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है, तो आई थिंक जब ये प्रॉपर ढंग से जलने लग जाएगी तो दैट मीन्स कि हाँ ये हीटअप हो चुका है. अभी ये ब्लिंक कर रही है तो दैट मीन्स इसको टाइम लग रहा है थोड़ा हीटअप होने के लिए. यू कैन सी मैंने हाफ ऑफ द हेयर्स को स्ट्रेट कर दिया है एंड दे आर प्रॉपरली स्ट्रेट.
और हाफ हेयर्स मेरे वेवी टाइप के हो रखे हैं जो कि मेरे नेचुरल हेयर्स हैं दिस साइड, तो मैं आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे बाल मेरे स्ट्रेट लग रहे हैं एज यू कैन सी, एंड दिस साइड इज़ नॉट स्ट्रेट, सो मैं हाफ साइड को भी स्ट्रेट करती हूँ एंड देन फाइनल लुक देखते हैं कि किस तरीके से। क्योंकि कभी मुझे स्ट्रेटनिंग करनी है एंड लेट मी टेल यू गाइस कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, मैक्स टू मैक्स आई थिंक 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, अदरवाइज हेयर ब्रश के साथ तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहा है। एंड एज यू कैन सी मेरे हेयर्स स्ट्रेट हो गए हैं, ड्राई हैं मेरे हेयर्स, सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या जिसके भी अगर आप लोगों के भी ड्राई हेयर्स हैं और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने के बाद आप लोग सीरम लगा सकते हैं अपने हेयर पे, मैट्रिक्स का लेके या फिर लिवॉन का लेके या कोई भी जो आपके हेयर्स पे सूट करता है तो आप उसको लेकर लगा सकते हैं, तो आपके हेयर्स स्मूथ भी हो जाएंगे। सो आई एम तो लविंग दिस वन एज यू कैन सी, और आप लोगों ने पहले मेरे हेयर्स देख लिए हैं कि कितने वेवी और कितने डैमेज हो रखे थे, बट अभी दे आर लुकिंग जस्ट अमेजिंग एज यू कैन सी, स्ट्रेट हो रखे हैं प्रॉपर एंड इसमें मैं कोई भी हेयर स्टाइल बना सकती हूँ। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड अ बिग थम्स अप टू दिस फिलिप्स का हेयर ब्रश, बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अब मुझे बस ये देखना है कि ये जो हेयर्स हैं ये कितनी देर तक टिकने वाले हैं, और इसका अपडेट मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दे दूंगी, तो उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ ये कितनी देर तक टिके हैं। हालांकि इसमें बोला गया है कि 24 आवर्स तक आप लोगों के हेयर्स पे रहेंगे, ये स्ट्रेट रहेंगे, तो देखते हैं कि ये 24 आवर्स तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बट आई एम जस्ट लविंग दिस, आई एम लविंग माई हेयर्स। सो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब आई मीन स्ट्रेट लग रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये पसंद आ रहे होंगे एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके इसको मंगा सकते हैं। एंड अभी हम वीडियो को फिनिश ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, बट बिफोर जो है वीडियो को मैं एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी चीज़ें लाकर आप लोगों को रिव्यू दे रही हूँ, सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, तो सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।